नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 नवंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए निकाली रिक्तियां। कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती विभिन्न विभागों श्रेणियों में पे स्केल 1, 2 और 3 के पदों को भरने के लिए है। कैनरा बैंक SO भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कैनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा जनवरी या फरवरी 2021 में होने की संभावना जताई गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में BE या BTEC या ME या MTEC डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। बिहार के शेखपुरा जिले के मटोखर देह में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम एवं शेखोपुर सराय प्रखंड से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मटोखर देह तालाब अपनी पवित्रता एवं रमणीयता के कारण एक अलग स्थान रखता है। टाटी नदी का किनारा और पहाड़ी इस क्षेत्र के अनुपम रूप में 4 चांद लगाते हैं। साथ में गौतम बुद्ध द्वारा यहां अपने शिष्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्र स्थान का अपना एक अलग महत्व है। इस तालाब के निर्माण के संबंध में तरह तरह की किदंतियां प्रचारित है। कुछ लोग इसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के आदेश पर ग्वाला बालों द्वारा खुदवाया मानते हैं। कुछ लोग इसे महाबली भीम द्वारा खुदवाया बताते हैं। कई ऐसे एक राजा द्वारा दही बेचने वाले के आग्रह पर खुदवाया गया बताते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख की हुई घोषणा। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह परीक्षाएं 14 और 21 मार्च 2021 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर बहाली के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित करवाई जाएगी। बिहार में डीलरों का रद्द हो सकता है लाइसेंस। बिहार में खाद के बाद अब बीज डीलरों पर नकेल कसने की सारी तैयारी शुरू कर ली गई है। सरकार की तरफ से अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो डीलरों का जांच करने वाली है और गलती का पता लगाने पर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लेने वाली है, जिसके बाद अब हर टीम को अलग अलग जिलों की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। बिहार में मक बीज बेचने वाले सभी डीलरों की जांच की जाएगी, जिसके लिए विभाग ने मुख्यालय के अधिकारियों की 8 टीम बनाई है। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 682 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,33,142 पर पहुंच गई है। वहीं सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 211 मामले सामने आए हैं, वहीं भागलपुर जिले में 28 मामले सामने आए हैं। 28 नवंबर से पटना की सड़कों पर गाड़ी लगाना पड़ेगा आपको महंगा। अगर आपको भी सड़क किनारे कहीं भी गाड़ी लगाने की और लंबे समय तक गायब होने की आदत है तो सावधान, क्योंकि 28 नवंबर से जगह जगह पर विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। सड़कों पर वाहनों के जहां तहां अव्यवस्थित रूप से रुक जाने के कारण भी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए धावा दल की तरफ से गाड़ियों को जब्त कर आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्देश दिया गया है। कोसी और सीमांचल के धान से तैयार चावल का इस्तेमाल अब होगा विदेशों तक। बिहार में कोसी और सीमांचल के धान से तैयार चावल की खुशबू विदेशों में भी बिखेरने वाली है, यानी कि अब विदेशों में रहने वाले लोगों को कोसी और सीमांचल इलाके के खेतों में उपजाए गए धान से तैयार चावल खाने का मौका मिलेगा। कोसी और सीमांचल का धान विभिन्न रेल रैक प्वाइंटों के जरिए आंध्र प्रदेश और वहां किया गया तैयार चावल विदेश पहुंचेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के विभिन्न रेल रैक प्वाइंटों से धान भरे बोरे को मालगाड़ी के वैगन में लादकर आंध्र प्रदेश ले जाया जाता है। वहां पर मिलिंग और पैकेटिंग पर चावल तैयार करके विदेशों को भेजा जाता है। शनिवार से हवा के रुख में होने वाला है बदलाव। बिहार में वर्तमान समय में हवा का रुख उत्तर पूर्व होने के कारण तापमान में मामूली वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शनिवार से बिहार में फिर से ठंड बढ़ने वाली है, क्योंकि शनिवार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने से यह अपने साथ ठंड लाएगी, साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वर्तमान समय की बात करें तो राजधानी पटना समेत विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री के और न्यूनतम तापमान गया को छोड़कर 10 से 12 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में आंशिक कोहरा और धुंध रहने के भी आसार जताए गए हैं।
बिहार सरकार का बड़ा आदेश, बारात में 100 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं शामिल। बिहार में एक बार फिर से कोविड-19 की परेशानी बढ़ने लगी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नए आदेश के संबंध में जानकारी साझा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शादी में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह नियम आज से 3 दिसंबर तक लागू रहने वाली है। इन 100 लोगों में बारातियों के साथ साथ वेटर और स्टाफ भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सड़क पर बैंड के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी। बिहार पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर से सिपाही तक की होगी परीक्षा। बिहार पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वो अपनी कसौटी पर कितना खड़ा उतर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी और यह देखा जाएगा कि यह सिपाही या अफसर कितने सक्षम है कितने नहीं। पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मी कसौटी पर नहीं उतरेंगे, उन्हें मुख्यालय में जगह नहीं मिलेगी। उनका तबादला मुख्यालय से बाहर जिला या इकाई में कर दिया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संकर्षण ठाकुर की। आज हम बात करेंगे संकर्षण ठाकुर के बारे में। संकर्षण ठाकुर भारतीय प्रिंट पत्रकार है। उनका जन्म 1962 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संकर्षण ठाकुर अपने अभी तक के पत्रकारिता जीवन में एमजे अकबर से काफी प्रेरित रहे हैं, जिसके तहत ठाकुर ने कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम किया। ठाकुर वर्तमान में द टेलीग्राफ के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1985 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत समाचार पत्र रोविंग एडिटर के रूप में की थी। वो पहले द इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर थे। ठाकुर ने बिहार और कश्मीर को बड़े पैमाने पर कवर किया है। उन्होंने 2001 में राजनीतिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार भी जीता है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की तरफ से विकसित बिहार बनाने की दोहराई बात। बीते दिन बिहार विधानमंडल में संयुक्त सत्र को राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण का आयोजन करवाया गया था। विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहां शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। सघन जांच अभियान के तहत पटना में कई दुकानों को पुलिस ने किया सील। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पटना जिला प्रशासन में मास्क जांच मुहिम की शुरुआत की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए कई लोगों से अब तक लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। इसी कड़ी में बीते दिन राजधानी पटना के कई इलाकों में मास्क की जांच की गई। मास्क का उपयोग न करने पर डाक बंगला चौराहा के कई दुकानदारों से राशि तो वसूली गई, साथ ही तनिष्क शोरूम समेत कई दुकानों को सील कर दिया गया है, जिसको 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों से भी पैसे वसूले गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह चेकिंग सदर और एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में मास्क चेकिंग जारी की गई है। बिहार में 34,000 शिक्षकों का पद खाली। बिहार में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी इस मामले में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। देश भर में सबसे ज्यादा बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है, यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है। शिक्षकों की बहाली को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में नीतीश सरकार से जवाब की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 34,000 के पद खाली है। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चारा घोटाले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसके बाद अगर लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो वो सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। राजद सुप्रीमो को लेकर पिछली बार कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी। अब एक बार फिर से राजद और लालू परिवार में इस बात को लेकर उम्मीद है कि आज लालू को राहत मिल सकती है। हालांकि सीबीआई अपनी तरफ से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश में जुटी है। मैथिली ठाकुर का गढ़वाली गीत सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मैथिली ठाकुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में मैथिली ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ गढ़वाली मांगलिक गीत को बड़ी ही खूबसूरती के साथ गा रही है। आमतौर पर मांगल गीतों को उसी भाव से गाना कोई आसान काम नहीं होता है, मगर जिस तरह से मैथिली ने मांगलिक गीतों में शब्दों के साथ भाव को पकड़ा है, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वाकई में संगीत की कोई सीमा नहीं होती। मैथिली के इस गाने को अभी तक उनके चैनल पर सबसे अधिक पसंद किया गया है।
राबड़ी देवी ने सुशील मोदी के बेरोजगार होने की कही बात। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति जारी है। वहीं लालू यादव का ऑडियो बाहर आने के बाद बयानबाजियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसी क्रम में राबड़ी देवी ने अब सुशील मोदी को लेकर अपना बयान जारी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुशील मोदी को बेरोजगार तक करार कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राबड़ी देवी का यह कहने का आशय यह है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक नंबर जारी किया था, जिससे लालू यादव विधायकों को कॉल कर अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे रहे थे। सलाखों में बंद लालू यादव के फोन इस्तेमाल करने पर पीआईएल हुआ दर्ज। राजद सुप्रीमो लालू यादव के ऑडियो के बाहर आने के बाद राजद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं अब सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोप में भाजपा ने राजद के खिलाफ एक जनहित याचिका भी दायर कर दी है। मेरी जानकारी के अनुसार भाजपा नेता अनुरंजन अशोक की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद सलाखों में बंद बंद मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह नियमों का उल्लंघन है। प्रशासन और सरकार उन्हें यह सुविधा किस नियम के तहत रही है, इसकी जांच करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है, क्योंकि आज ही के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1795 में पहले बंगला नाटक का मंचन हुआ। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1907 में भारत के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में जन्म हुआ। 2011 में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार सुल्तान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ट्विटर ने लालू यादव से संबंधित सुशील मोदी के ट्वीट को किया डिलीट। सुशील मोदी ने बीते दिनों लालू प्रसाद यादव से संबंधित ट्वीट जारी किया था, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी। वहीं मामले की गंभीरता को देख ट्विटर ने अब उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। जारी किए गए ट्वीट में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर रांची के जेल से अपने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर विधायकों को फोन कर प्रलोभन देने की बात कही थी। इसके साथ ही मोदी ने ट्विटर पर एक नंबर सार्वजनिक भी किया था। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोबाइल नंबर शेयर करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो फोन कर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी यूजर के लिए फेसबुक ने जारी किया नया फीचर। फेसबुक ने जरूरतमंदों के लिए अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना साइट पर नया विकल्प पेश किया है, जो दान को आसान बनाएगा। इसे ड्राइव फीचर का नाम दिया गया है, जो कम्युनिटी हेल्प के अंतर्गत मिलेगा। इस फीचर के जरिए अपने आसपास मौजूद जरूरतमंद या दान करने वालों का पता लगा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इससे कपड़े, जैकेट, खाना और अन्य जरूरी सामान दान किया जा सकता है या फिर प्राप्त किया जा सकता है। यह फीचर अभी अमेरिका के लिए जारी किया गया है और यह धीरे धीरे सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। कंपनी ने कहा है कि इस फीचर को जल्द ही दुनिया के अलग अलग कोनों में भी लॉन्च किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई के लिए मांजरेकर ने चुना टीम इंडिया का प्लेइंग 11। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आज से शुरू होने वाला है, जो कि सिडनी ग्राउंड पर खेला जाना है। लिमिटेड ओवर में टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए टीम इंडिया का प्लेइंग 11 चुना गया है। मांजरेकर के प्लेइंग 11 में सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन और मयंक अग्रवाल है। कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मनीष पांडे, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में से किसी एक को चुनने का सुझाव दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का नया वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। हाल ही में सिद्धार्थ और शहनाज का नया गाना सोना सोना को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है और यही कारण है कि अब यह गाना नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद अब सिद्धार्थ और शहनाज का नया वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। सिद्धार्थ ने शहनाज संग गाने सोना सोना पर एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री देखने लायक है। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा है कि शुक्रिया सोना सोना को शानदार रिस्पांस देने के लिए, हम वर्ल्ड वाइड नंबर वन ट्रेंड कर रहे हैं, आप भी अपने रील्स बनाइए। बीते दिन ट्रेड यूनियन की हड़ताल में राजद भी उतरी सड़कों पर। ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाई गई हड़ताल का मिला जुला असर बीते दिन देश भर में देखने को मिला, जिसके बाद बिहार में ट्रेड यूनियन की हड़ताल को विपक्षी दलों का पूरा समर्थन देखने को मिला, जहां कई इलाकों में राजद कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध प्रकट किया, जिसके तहत कई कार्यकर्ता जानवर के साथ विरोध करने मैदान में उतरे थे। इसके साथ ही ट्रेड यूनियन के इस एक दिवसीय हड़ताल को राजधानी की बैंक का भी समर्थन मिला था।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,850 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,850 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,050 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.42 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, नीरज कुमार, सुमन मिश्रा, अमरेश उपाध्याय, धीरज कुमार, राजेश कुमार, रितेश रंजन, विकास कुमार, मिथिलेश भाई, संजीत कुमार, सतीश कुमार, देव नारायण कुमार, मुकेश पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच में किस टीम का पर्रा आज ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।